खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हम जितना हो सके सप्राण भोजन खाएं। त्योहार है तो क्या हम मार मार कर खाएंगे? इस दिन को खा कर के हम त्योहार मनाएंगे? ये किस तरह का त्योहार है? कैसी धार्मिकता है? ड्राई फ्रूट के डिब्बे से निकाला और ऐसे ही उनको हम कंज्यूम कर लेते हैं, ये बहुत खतरनाक है। किस तरह से आप कच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे बिना भिगोए हुए, वो आपको गर्मी पैदा कर देंगे, शरीर के भीतर पित्त प्रकृति को बढ़ा देंगे और शरीर के अंदर खुश्की पैदा कर देंगे। आजकल तो मार्केट में आप जाकर के देखेंगे, मिठाई आपको कोई भी सेव नजर आएगी ही नहीं, सारी मिठाइयों के अंदर बहुत भारी संख्या में मिलावट होती है। और दुनिया की एक भी एलोपैथी की दवाई ऐसी नहीं होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर विजाता, दीपावली आ गई है और ऐसे में लोग जम कर खाते पीते हैं, यहाँ तक कि गिफ्ट्स भी देते हैं, तो दीपावली पूरी तरह से सुरक्षित कैसे मनाई जाए, इस विषय पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शक जो भी D5 से जुड़े हुए हैं, उन सभी को दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजाता आर्य कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय से आज आपके साथ जुड़ी हुई हूँ एक विशेष वक्तव्य को लेकर के। दीपावली पर्व है असत्य पे सत्य की जीत, अंधेरे से उजाले की ओर, झूठ से सच की ओर जाने की। तो क्या हम वास्तव में इस मकसद को, इस वास्तविकता को पूरा कर रहे हैं? जब हम सोचते हैं कि वास्तव में अगर हम असत्य से सत्य की ओर जाना चाहते हैं, तो उत्तर आता है कि नहीं, हम अभी उसी झूठ के अंदर ही बंधे हुए हैं। दीपावली आई, हमने पटाखे चलाए, जम के मिठाइयां बनाई, मिठाइयां खाई, अपने घरों को सजाया, लड़ियां लगाई, बहुत सारी मोमबत्तियां प्रकाशित की जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं उन मोमबत्तियों के अंदर। तो क्या हम वास्तविक रूप से दीपावली को मनाते हैं जहां सत्य के ऊपर ही सत्य की विजय हो, असत्य का कहीं पर भी नामो निशान ना हो, अंधकार का कहीं पर भी नामो निशान ना हो? तो जब खाने पीने की बात आती है तो एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते मैं यही कहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम जितना हो सके सप्राण भोजन खाएं। त्योहार है तो क्या हम मार मार कर खाएंगे? इस दिन को खा करके हम त्योहार मनाएंगे? ये किस तरह का त्योहार है? कैसी धार्मिकता है कि हम चाइनीज माल को लेकर के, चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के जो तो अपना घर सजा रहे हैं, और जहरीली मिठाइयों को, बहुत सारे तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान, और अब आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया है चॉकलेट के डिब्बे देने का, जिसे देखो चॉकलेट और पैकेट फूड, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल वाले जूस होते हैं और बहुत सारे केमिकल वाली चॉकलेट्स होती हैं, मिठाई है, रंग बिरंगी कलर जिनको देख करके ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं वो पैकेट में बंद, लेकिन वो पॉइजन है पूरे शरीर के लिए, हमारे लिए वो हार्मफुल है। किसी भी प्रकार से उसका ना देने वाले को कोई लाभ है, ना उसको लेने वाले को लाभ है, सिर्फ धन की हानि हो गई है आपकी। और जैसे ही दिवाली चली जाती है वैसे ही भागा जाता है एलोपैथी डॉक्टर्स के पास, वहाँ और बड़ा एक माफिया बैठा हुआ है जो आपको एक रोग दूर करने के बहाने 10 रोग और दे देता है। आप जाएंगे पेन किलर लेकर के आएंगे, जोड़ों में दर्द बढ़ेगा, कहीं पेट का इन्फेक्शन होगा, आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे, और दुनिया की एक भी एलोपैथी की दवाई ऐसी नहीं होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर शरीर के अंदर और अनेक तरह के रोग शुरू हो जाते हैं। ऐसे त्योहार क्यों मनाए जाएं? हम ऐसे त्योहार से क्यों जुड़ें? हम एक ऐसा सात्विक माहौल बनाएं जिसमें कि घर में बनाई हुई काजू, बादाम, छुआरा, अंजीर, मुनक्के की हम मिठाई बनाएं, घर में तैयार करें। किसी भी प्रकार के आप लड्डू बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं,
आंवला आजकल मार्केट में आ गया है, च्यवनप्राश घर में बना सकते हैं। इतनी बढ़िया मिठाई तैयार होती है आंवले की कैंडी बना करके आप बच्चों को खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू इतने स्वादिष्ट तो होते हैं, इतने लाजवाब होते हैं, आप घर में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना करके खा सकते हैं। एक मैं देखती हूँ आजकल ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे भी लोग एक दूसरे को देते हैं, तो वो भी बादाम काजू किशमिश ऐसे ही कच्चा ही खाते रहते हैं, मुट्ठी भर को खा लिया, ड्राई फ्रूट के डिब्बे से निकाला और ऐसे ही उनको हम कंज्यूम कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है। इस तरह से आप कच्चे ड्राई फ्रूट्स खाएंगे बिना भिगोए हुए, वो आपको गर्मी पैदा कर देंगे, शरीर के भीतर पित्त प्रकृति को बढ़ा देंगे और शरीर के अंदर खुश्की पैदा कर देंगे। इसलिए जब भी आपके घर में ड्राई फ्रूट के डिब्बे आए तो उनको पहले आप रात को पानी में भिगो दें। 8 बादाम, 5 बादाम, 4 बादाम इतना काफी होता है एक व्यक्ति के लिए। और इसी तरह से आप अखरोट को भी भिगो दें, अंजीर को भी भिगो दें, मुनक्का किशमिश बादाम, ये सारी चीजें आपको रात को भिगो करके कंज्यूम करनी। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम एक बात को हमेशा फॉलो करते हैं कि हमें सप्राण भोजन खाना है। जब भी आप कोई भी चीज खाएं तो ये जरूर देखें कि हम डेड फूड तो नहीं खा रहे हैं। जितनी मिठाइयाँ बनी हुई हैं, जितने पकवान बने हुए हैं, ये तो सारा का सारा डेड फूड है। फिर लोग कह देते हैं जी फिर त्योहार कैसे मनाएंगे, एक ही दिन तो होता है खाने के लिए हमारे पास। ड्रिंक करने वाले लोग कहते हैं कि हम तो इस दिन शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, पूरा फुल इंजॉयमेंट करते हैं, फुल मस्ती करते हैं। लेकिन मस्ती किस काम की जो आपको पूरी जिंदगी भर दे। और ये स्लो पॉइजन होता है, एकदम से मरता नहीं कोई भी। बाजारी जो जितनी भी मिठाइयाँ आ रही हैं, जितना भी कलर इनके अंदर आता है, बहुत ज्यादा, अब आजकल तो मार्केट में आप जाकर के देखेंगे मिठाई आपको कोई भी सेफ नजर आएगी ही नहीं। सारी मिठाइयों के अंदर बहुत भारी संख्या में मिलावट होती है। और ये जो स्लो पॉइजन धीरे धीरे जाकर के हम कह देते हैं ये तो जेनेटिक बीमारियां हैं, जेनेटिक अस्थमा है, जेनेटिक बीपी है, जेनेटिक शुगर है, जेनेटिक थायराइड है, ये जेनेटिक वर्ड आया कहाँ से है? ये जेनेटिक वर्ड आता है हमारी आदतों से, जो हम टाइम बाय टाइम पैदा करते हैं। कभी त्योहार आ गए, कभी जन्मदिन आ गया, कभी पार्टियां आ गई, कभी शादियां आ गई, कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो हमारे घर में आते ही रहेंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशानी में है, जिनको प्रॉब्लम है शरीर में, और वो फिर ऐसा स्लो पॉइजन धीरे धीरे कंज्यूम करते रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जा करके वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और इतना भारी भरकम रूप ले लेते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हमारी असाध्य हो जाती है। घर में आप दिए इसी घी के दिए जलाएंगे तो उससे प्रथम होता है पॉल्यूशन खत्म होता है। घर में यज्ञ करें, दिवाली के दिन जरूर अग्निहोत्री जरूर करें घर में सब करके, और वन कुंड लेकर के घी सामग्री लेकर के उसको अगर हम जलाते हैं, आम की पीपल की लकड़ी, तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। और जो हम क्रैकर्स फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे हमारे चारों तरफ के वातावरण को बहुत ज्यादा, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है दिवाली के दिन लोगों की। फिर अब मैंने तो ये देखा है कि हिंदू ही इस मैदान में उतर करके आए हैं कि आप लोग तो हमारे त्योहार के खिलाफ बोलते हैं। क्या जब ये लोग बकरे काटते हैं तो उस समय पॉल्यूशन नहीं होता है, उस समय जीव हत्या नहीं होती है? होती है, हम तो उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन जब आप पटाखे चलाते हैं, किसी भी प्रकार से लड़ियां लगा करके या किसी भी प्रकार ऐसा देश विरोधी काम करते हैं, तो हम हिंदू के जो पर्व हैं उस पर भी जो गलत कार्य किए जा रहे हैं, हम उनका भी विरोध करते हैं और खुल करके करते हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं। और हमारा मकसद यही है कि असत्य से लोगों को हटा करके सत्य की ओर लेकर के जाना। किसी भी प्रकार से चारों तरफ जो भी आडंबर है, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, चाहे वो एलोपैथी सिस्टम का हो, चाहे वो अंधविश्वासों का हो, चाहे वो कुरीतियों का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से अवैज्ञानिकताओं का हो, हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए ठीक क्या है और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए दिवाली का आज का यही मेरा संदेश होगा कि तुम जहां पर जियो धर्म जीने लगे, तुम सुधा बांट दो विश्व पीने लगे, साथियों की यहां बांट जो हो नहीं, प्यार दो हर दुखी को किसी ने लगे, अश्रु पहुंचो किसी के तनिक आह पर, धर्म उतरे धरा पर नया रूप धर, वेद की मधुर इच्छाएं भुलाओ नहीं,
टूटती सांस को प्राण देते चलो। विचारता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।